आपके पास ही आए। क्या समस्या? अरे वही है, जो कंपनी का आप तो ये एक तो प्रधानमंत्री जी के नाम क्या पड़े, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो संपत्ति जो प्रक्रिया चल रही है तो कंपनी के मालिकों की निजी प्रॉपर्टी, संचालकों की प्लस कंपनी की प्रॉपर्टी सभी को मतलब कुर्क किया जाए, जिससे भुगतान में भी सुविधा होगी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की? गिरफ्तारी हुई है सर जी, इस मामले 2 साल हो गए मुकदमा लिखे हुए। लिमिटेड 2010 में आगरा में आई, इसी तरह से देश के 180 जिलों में चली। चलने के बाद में कंपनी के खिलाफ जब पैसा भुगतान का समय आया कंपनी यहाँ से भाग गई और पूरे देश के सब ऑफिसों को बंद कर दिया। उस मामले में पूरे देश में 48 FIR है, यहाँ भी FIR है, 9 FIR है आगरा में, लेकिन अभी तक किसी भी नामजद वांछित की किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कंपनी के लोग, वो पुलिस कहती है कि हमने वो NVW ले लिए हैं, कुर्की हम कर रहे हैं, इधर सेवी कहती है हम रिकवरी कर रहे हैं, EOW कह रहा है कि हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा। हमारी मांग है ग्रीन टच के जो संचालक है उनकी गिरफ्तारी हो, और उसके साथ साथ जो कंपनी है, कंपनी के साथ साथ इनकी निजी प्रॉपर्टी की भी कुर्की हो। इन्हीं सब बातों, आगरा के ऑफिस को कुर्क किया जाए, बनारस के होटल को कुर्क किया जाए, कलकत्ता और देश में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं करीब 40 प्रॉपर्टी हैं सभी को जब्त किया जाए, फिर उसके बाद में निवेशकों का तुरंत भुगतान किया जाए। नाम क्या द्वारा? वेद प्रकाश कुशवा। मैडम बोलो। हम पिछली बार भी एक ज्ञापन देने आए थे कि हमें हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए, और हम पहले ही कह के गई थी, मैं खुद कह के गई थी अगर इस बार ना हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अगली डेट पे हम आएंगे तो अपनी कितनी बेचने का बाजार लगाएंगे। हमें किसी भी तरीके से सरकार से यही है ना चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस हो, जिससे कि हमारा परिवार, और ये फर्जी ग्रीन टच कंपनी फर्जी है, उसे गिरफ्तार किया जाए। कितने लोगों के साथ तो पूरी इंडिया में बहुत से लोग हैं, ये तो है नहीं उनकी गिनती नहीं है, करोड़ों लोगों का है ना घपला है और अरबों पैसा लेके भागे हैं, तो सभी परेशान लोग हैं ना, सब गरीब है और गरीबों ने है ना इतना पढ़े लिखे तो होते नहीं है, जो उनकी है ना वो है ना इंक्वायरी निकाल है, जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या जाने, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब वो सब भाग गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें हर कीमत पे अपना पैसा वापस चाहिए। आओ चली। चलने के बाद में कंपनी के खिलाफ जब पैसा भुगतान का समय आया कंपनी यहाँ से भाग गई और पूरे देश के सब ऑफिसों को बंद कर दिया। उस मामले में पूरे देश में 48 FIR है, यहाँ भी FIR है, 9 FIR है आगरा में, लेकिन अभी तक किसी भी नामजद वांछित की किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कंपनी के लोग, वो पुलिस कहती है कि हमने NVW ले लिए हैं, कुर्की हम कर रहे हैं, इधर सेवी कहती है हम रिकवरी कर रहे हैं, EOW कह रहा है कि हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा। हमारी मांग है ग्रीन टच के जो संचालक है उनकी गिरफ्तारी हो, और उसके साथ साथ जो कंपनी है, कंपनी के साथ साथ इनकी निजी प्रॉपर्टी की भी कुर्की हो। इन्हीं सब बातों, आगरा के ऑफिस को कुर्क किया जाए, बनारस के होटल को कुर्क किया जाए, कलकत्ता और देश में जितनी भी प्रॉपर्टी है करीब 40 प्रॉपर्टी है सभी को जब्त किया जाए, फिर उसके बाद में निवेशकों का तुरंत भुगतान किया जाए। नाम क्या द्वारा? वेद प्रकाश कुशवाहा। क्या हमें